कोजी शाम में और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त एंकर जे जे दैट इज ज्योति जायसवाल एंड आई एम ग्लैड टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवनिंग और इस प्यारी सी शाम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज एवरीवन। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग वी हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल बैनर जो आप देख सकते हैं एंड इस ब्यूटीफुल सी शाम को और भी ज्यादा आप चलिए बनाते हैं खास और मैं सभी आप सभी को बताना चाहती हूँ ये बात एंड दैट इज टी सीरीज हैव लॉन्च्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड दैट इज अपनी कहानी। जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके सो अब मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर होने क्या वाला है। आवाज नहीं आ रही है, come on, show some excitement, woo, congratulations, जो भी चीजें पॉसिबल है, why you people are on the stage, because ये सारी चीजें आपकी लोगों की वजह से हैं। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पूरी टीम ही मेरे घर जैसी है। आमिर भाई हुए, आजाद हुआ, हमारी साधना जी हो गई और साधना जी ने इतना प्यारा गाया गाना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके नाम में जो साधना है वो मतलब तपस्या है, वो इस गाने के जरिए हम सब की कहानी, अपनी कहानी जो है उसके रूप में टी सीरीज के माध्यम के द्वारा ये गाना आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंगल नहीं है, ये शुभ मंगल है, ये आप सब तक हम तक बहुत बहुत तेज़ी से और अच्छे से पहुँचने वाला है। और क्योंकि ये पूरी टीम के साथ मैंने काम किया है। अभी हमारी जो फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, 30 अप्रैल को ये पिक्चर रिलीज हो रही है लॉकडाउन टू अनलॉक। यूएस सर्टिफिकेट मिला है आपके आशीर्वाद से, सेंसर होके आई है, तो जिसमें हमारे दिलीप सेन साहब ने भी काम किया। तो ये पूरी टीम मेरे घर जैसी है और इस टीम की खुशी मेरे लिए, मैं सोचता हूँ कि 56 इंच का सीना मेरा हो गया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिट है, सुपर हिट है और सुपर हिट से भी कोई अगर ऊपर का शब्द है तो ऊपर हिट है। क्या इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अपने पत्नी के टैलेंट को पतिदेव जो है वो सराह रहे हैं। कभी इन्होंने हमें रोका नहीं, इनको पता चला कि हम गाते हैं तो ये पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगा दी है कि तुम किसी तरह से पहुँच जाओ तो लोगों तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचे, लोग पसंद करें, उससे ज़्यादा खुशी तो हमें होगी। तो सारा ये परिवार जो आज कलाकार, हमारी जो टीम है जिसने ये बनाए हैं, चाहे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, चाहे लिरिक्स, चाहे जो भी सारे इसमें जो एल्बम बनाने में पूरी टीम की जो हाथ है, बहुत ही अच्छी एल्बम बनी है। मैंने कम से कम 1 दर्जन से ऊपर कलाकारों के साथ जुड़ा हूँ, जिसमें सलमा आगा बहुत लंबी, पुनः रवीना टंडन आज 20 साल से हैं, प्रियंका चोपड़ा आज 15 साल से हैं, तो बहुत से कलाकार, टेलीविज़न में भी 1 दर्जन कलाकार हमने पहले सब टॉप में रहे थे। तो कलाकारों के साथ मेरा पुराना संबंध है और मुझे बड़ी खुशी होती है, खास करके जब नई टीम कोई जब आती है, नई टीम जब कोई अपना जब दे, क्योंकि हमने, हमारे पास सब ज़्यादातर सब नए पहले ही, अब रवीना जी के साथ ही हम तू चीज़ बड़े मस्त मस्त पहली हिट दी थी, प्रियंका जी के साथ भी पहली हमने ट्रॉफी, दोनों को पहली ट्रॉफी दी, और भी टेलीविजन में सारे जितने मेरे थे सब नई नई आई और सब टॉप में गई, इतना ये ईश्वर का हमारे ऊपर में ये है। तो कलाकारों को आज मैं दिल से, सब अपने कलाकारों को, पूरी टीम से आज मैं सबको दिल से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे सारे कलाकार आज इतनी ऊँचाई तक गए हैं, ये लोग अपने सब उतनी ही ऊंचाई तक जाए और इतना लोगों में ये मशहूर हो, पूरी वर्ल्ड में मशहूर हो, एक से एक एल्बम ये लोग बनाए और बहुत से कलाकारी इनकी आगे ज़िंदगी में बढ़ता जाए। आमिर भाई ने खास करके, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने बुला करके जो सम्मान दिया, और हमारे पूरे परिवार, पूरी टीम, चाहे मीडिया भाई, सारे इन लोगों से सालों साल से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और फिर से अपनी पूरी टीम को, खास करके जहाँ नए होते हैं यही हमारे कल के सितारे हैं। हाँ जी नमस्कार, मैं संगीतकार दिलीप सेन और आप सबों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जिन महान हस्तियों के साथ मैं खड़ा हूँ, मैं जाकिर जी हैं, अमीर जी हैं और आजाद जी, और आज हमारी खास एक सुपरस्टार, अपकमिंग स्टार साधना जी, बेटा इस नाम को ही वरदान है। और जो आपका अंदाज है ना, वो एक सुलझे हुए सिंगर का होता है, क्योंकि मैं आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, लता जी से लेकर सबके साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे हर सिंगर का एक अनुभव रहा है, तो उनमें से आपको देखने के बाद में बड़ा अच्छा लगा। और मैं जाकिर जी के लिए
आमिर साहब के लिए और राजा जी के लिए खास बात ये कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी पुरानी ट्यूनिंग है लोगों की। कुछ साल पहले इन्होंने जब कोई एल्बम बनाया था मुझसे कहा था कि चाचा आपका आशीर्वाद चाहिए दुआएं चाहिए, तो मेरे से मतलब अलग से मेरे से वीडियो लेके गए थे। कट टू 7-8 साल या 5 साल ही समझो, कट टू आज इतने बड़े जगह पे मुझे बुला के आप लोगों के सामने लाइव लेके आए ये, तो ये सपने कहानी के या कहानी सपनों की, जो इंसान सपना देखता है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा करता है। आज मैं जाकिर साहब, आज़ाद जी, अमीर भाई को और साधना जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे, हर जगह आपके इम्तिहान होगा मगर उस इम्तिहान में आप लोग पास हो, यही मेरी आप लोगों को आशीर्वाद जो दुआ है। थैंक यू, नमस्कार। साधना जी से जब मैं पहली बार मिला था आमिर भाई के स्टूडियो में, तो इनकी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लगा, आमिर भाई ने बोला कि एक लड़की है बहुत बहुत अच्छे मैडम गाती हैं, इनको सुन लीजिए। जब इनको सुना तो ऐसा लगा कि आवाज़ में मतलब बहुत दम है, इस आवाज़ के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो ही सोच के ये गाना लिखा और उसके मतलब कंपोज करके इसको रिकॉर्ड किया। कुछ एक टी सीरीज़ के लिए गाना हम लोग बना रहे थे, उसी दौरान साधना जी हमारे पास, तो इनकी आवाज़ सुनी हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हमने सोचा क्यों ना इनकी वॉइस हम ट्राई करें। मैंने जाकिर भाई से इनके बारे में बात की, मैंने जाकिर भाई ये आवाज़ सुनते हैं इस गाने के लिए, इनको ट्राई करते हैं हम। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा लगा गाने के लिरिक्स, मुझे बहुत अच्छे लगे गाने के लिरिक्स और पूरा गाना ही बहुत प्यारा है। इतना अच्छी तरीके से इसे डायरेक्टर ने दिखाया है, प्रेजेंट किया है, सो वो भी बहुत अच्छा है, सिंगर्स ने भी बहुत अच्छा गाया है। मैं आमिर शेख जी से रिकॉर्डिंग सेशन पर मिली थी और देखते ही देखते इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो होप जो भी व्यूअर्स गाना देखने वाले हैं देख रहे हैं वो सपोर्ट करें और गाने को हिट कर दें।